हाँ देखिए हमारा पहला टारगेट क्या रहता है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स या साइन इनवर्स, किसमें से कौन है, कॉस इनवर्स सही तो है। अब कॉस इनवर्स अगर है तो अंदर क्या चाहिए, बाहर को अंदर, पास अंदर पास नहीं है, लाना पड़ेगा। अब आपको कुछ टेक्निक बताई गई, ये जितने भी प्रॉब्लम है ये तीनों प्रॉब्लम है इस तरह के, वन प्लस और वन माइनस। अब क्या होता है, वन प्लस वन माइनस सामने कुछ भी है, इसमें दो तरह के टेक्निक है, स्क्वायर रूट वाली और एक बिना स्क्वायर रूट। सामने कुछ भी है बोला मैंने, वन प्लस वन माइनस के सामने कुछ भी है, एक्स आए, एक्स स्क्वायर आए, ई पावर एक्स आए, कुछ भी है, यहाँ पे जो भी होगा उसको आप कॉस थीटा बोल कर, क्या बोल करना, कुछ भी है। अगर एक्स आए, देखो ध्यान से यही तो सबसे मेन है, अगर एक्स आए तो एक्स को कॉस थीटा बोल करना, और अगर एक्स स्क्वायर आए तो एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा बोल करना, जो आए उसको कॉस थीटा, एक्स रे एक्स को कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। उससे फायदा क्या होता है कि यहाँ पे वन प्लस, अब एक्स स्क्वायर है कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर यानी कॉस थीटा, उसका स्क्वायर मत करना, खुद एक्सक्वेयर यानी कौन है cos थीटा, इसलिए वो 1 plus cos थीटा और 1 minus cos थीटा के दोनों के फॉर्मूले लगते हैं। 1 plus cos थीटा होता है 2 cos square थीटा by 2, 1 minus cos थीटा होता है 2 sin square थीटा by 2, 0 solve होता है। तो यहाँ पे x आए तो x को पुट करना, x square है तो x square, तो जो भी आए अगर e power x आए तो e power x को पुट करना, cos थीटा ही पुट करना अगर square root का है तो, और अगर square root का नहीं है बिना स्क्वायर रूट का है तो फिर आपको यहाँ पे पहले स्क्वायर क्रिएट करना पड़ेगा, क्या क्रिएट करना पड़ेगा, स्क्वायर, पहले से स्क्वायर है तो अच्छी बात है, और वो जो बेस है उसको टेन थीटा बुट करना, क्या बुट करना, टेन थीटा फॉर्मूला मैच कर, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा वन माइनस टेन, फॉर्मूला मैच हो तो स्क्वायर बनाना पड़ेगा अगर पहले से, तो अच्छी बात है, वो जो बेस है ना उसको टेन थीटा बुट करना। अब बताओ ऐसा आया तो सर यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर बना कैसा, रूट एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट एक्स का, और फिर ये जो बेस है इसको पुट करो टेन थीटा बेस को। अगर कभी ऐसा आया, अभी मैं जो बेसिक बता रहा हूं यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या बता, बिना स्क्वायर रूट वाले का प्रॉब्लम रहा, बिना स्क्वायर रूट वाले का, आप उसको स्क्वायर कन्वर्ट करो, इसको स्क्वायर ऑलरेडी है तो इसको पुट करो, स्क्वायर नहीं था तो मैंने स्क्वायर बनाया, कैसे रूट एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर बनाने के साथ e का पावर टू एक्स है, इसको ऐसा लिखते हैं e पावर x का स्क्वायर, ऐसा लिखते स्क्वायर बना, और बनाने के बाद ये जो बेस है ना इसको पुट करना टेन थीटा, बेस को क्या पुट करना टेन। अब आप बताइए सर, ये देखो आप बोल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर बना, सर ये कौन है, एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स का पावर फोर है, तो बताओ एक्स स्क्वायर कैसे बने, इसको देखिए तो एक्स स्क्वायर का क्या लिखो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बने, और ये जो बेस है इसको टेन थीटा पुट करो, मैं जब से बता रहा हूं कि बेस को टेन थीटा पुट करो, बेस ई पावर एक्स है उसको टेन थीटा, बेस एक्स स्क्वायर है उसको टेन थीटा, यहाँ पे बेस कौन है रूट एक्स उसको टेन थीटा, और यहाँ पे बेस कौन है एक्स उसको टेन थीटा, लेकिन आपको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, जैसे पावर फोर है तो स्क्वायर का स्क्वायर करो, ये ई पावर टू एक्स था उसको ऐसे ही कर, एक्स था और एक्स का, यानी स्क्वायर बनाना कंपलसरी है इस प्रॉब्लम सर। लेकिन इसमें कैसा करें, अगर ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब है फिर स्क्वायर कैसे बनाए, फिर स्क्वायर कैसे बनाए, सिंपल है, वन माइनस वन क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है ना, लिख दो एक्स स्क्वायर बना बना है। अब अंदर ऐसा पावर रखो कि ये थ्री आना चाहिए, एक्स क्यूब है ना, ये एक्स क्यूब आना चाहिए, तो कैसे आएगा बताए, एक्स क्यूब आया, और ये टू काटने के लिए नीचे टू, और अब देखो बताओ स्क्वायर दिख रहा है और इसका आंसर एक्स क्यूब बच आता है, देखो इसका आंसर एक्स क्यूब आता है, पावर पावर एक दूसरे को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और टू टू क्या हो जाएगा कैंसिल, एक्स क्यूब बन, और इसको भी ऐसा। अब सर पुट किसे करो, मैं जब से बता रहा हूं बेस को पुट करो, कौन है बेस, इसको क्या पुट करो टेन थीटा, यही तो सबसे मेन, ठीक है ऐसा। तो क्या बताया मैंने, ये बताया
अगर रूट में आता है, रूट में कौन आता है, वन माइनस वन प्लस, अगर रूट में आता है तो जो है उसको कॉस थीटा पुट करो, जो है उसको, उसको स्क्वायर में लाने की जरूरत नहीं है। अगर एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब को पुट करो, क्या कॉस थीटा, एक्स पावर फोर है तो एक्स पावर फोर को कॉस थीटा पुट करो, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को पुट करो, एक्स हो तो एक्स को पुट करो, जो है उसको पुट करो, उसको स्क्वायर में एक्सप्रेस करने की कोई जरूरत नहीं। तो रूट में आया तो जो है उसी को कॉस थीटा, और बिना रूट का आया तो यानी बिना रूट में दिया या ऐसा दिया, अब आप उसको पहले स्क्वायर बनाना पड़ेगा। पहले से तो अच्छी बात है, नहीं है तो बनाओ, नहीं है तो बनाओ, नहीं है तो बनाओ, और फिर बेस को टेन थीटा पुट करना, क्या पुट करना, टेन थीटा। कल प्रॉब्लम हुए थे, इससे आगे के सब इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है बोर्ड के हिसाब से। चलो बताओ क्या बताया मैंने, ये वन माइनस वन प्लस का ही प्रॉब्लम, और आपको क्या हिंट दे रहा हूँ भाई, जब से वन माइनस वन प्लस वाले में स्क्वायर बनाना पड़ेगा। बोलो क्या बनाओगे स्क्वायर, बताओ। ये होगा फाइव एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और फिर जो बेस है, जो बेस है उसको क्या पुट करो, टेन थीटा। बेस को क्या पुट करो, टेन थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टेन इधर आएगा तो क्या होगा, टेन इनवर्स। बोलो कितना हो रहा है, वन माइनस वो नहीं है, टेन थीटा स्क्वायर, टेन थीटा का स्क्वायर। बोलो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला, कॉस का, कौन सा फॉर्मूला, ये हाफ एंगल। तो आंसर क्या है, कॉस आएगा लेकिन एंगल क्या है, डबल। तो क्या होगा ये दोनों आंसर, फिर थीटा की वैल्यू बताओ, थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स, अब करो आप डेरिवेटिव, क्या होता है डेरिवेटिव, कांस्टेंट बार, टेन इनवर्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर कितना आएगा, ये 25 एक्स स्क्वायर, 5 एक्स का कितना होता है 5, आंसर कितना है 10 अपॉन 1 प्लस 25 एक्स स्क्वायर। याद रखना है हिंट जो दी थी मैंने, हाँ क्या हिंट दिया आपको, कि रूट में आए, बताओ इधर देखो, अगर यही प्रॉब्लम मैंने अगर रूट में दिया होता तो कितना फर्क पड़ता है, यही प्रॉब्लम अगर मैंने इसमें दिया होता वो वही प्रॉब्लम है सेम, लेकिन रूट में दे दिया, तो मैं अभी हिंट क्या दे रहा हूं कि वन प्लस वन माइनस अगर बिना रूट का है, ये बिना रूट का तो स्क्वायर में लिखना, स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो बनाया ना, और स्क्वायर बनाने के बाद जो बेस है उसको टेन थीटा पुट करना, टेन थीटा पुट करना, और अगर रूट में आया तो जो है उसको कॉस थीटा पुट करो, बताओ कौन है, 25 एक्स स्क्वायर, इसे क्या बोलते हो, कॉस थीटा, उसको स्क्वायर में लाने की कोई जरूरत नहीं, जो है उसको कॉस थीटा पुट करो, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस अपॉन 25, ये क्या होगा, टेन इनवर्स वन माइनस, मतलब आपने इसी को कॉस थीटा पुट किया और नीचे वाले को क्या, कॉस थीटा। बोलो क्या होता है, वन माइनस कॉस थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, वन प्लस कॉस थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, बताओ क्या हो गया, टू टू कैंसिल, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो गया, हाँ टेन स्क्वायर, और क्या हो गया, ये टेन इनवर्स स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, कट गया, क्या आया थीटा बाय टू, ये वन बाय टू वाला देखना, वन बाय टू वाला थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स 25, और अब आप करो इसका डेरिवेटिव, अब मैं डायरेक्ट करता हूँ डेरिवेटिव, कांस्टेंट बार पांच इनवर्स का माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स एक्स स्क्वायर डिग्री एक्स ऑफ एक्स, एक्स कौन सा, एक्स कौन सा इनवर्स के, ये टू है स्क्वायर रूट के अंदर वन माइनस 25 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और एक्स का स्क्वायर का स्क्वायर इसका पावर 4, इसका क्या होगा डेरिवेटिव 25 बार एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 2 कटेगा तो माइनस 2x ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा 1 माइनस 625 x का पावर 4। देखो आपको एक समझाने की कोशिश की मैंने सेम प्रॉब्लम से, सेम प्रॉब्लम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की प्रॉब्लम से, लेकिन मैं आपको जब से क्या बता रहा, अगर स्क्वायर रूट में 1 माइनस 1 प्लस आया स्क्वायर रूट में,
जो है उसी को कॉस्टेट बोलते हैं, कुछ भी छेड़छाड़ करने के लिए जैसा है वैसा कॉस्टेट है। ये वन माइनस कॉस्टेट अपने का ही मतलब है। फिर ये तो कॉस्टेट कट गया, साइन बाय कॉस टैन होता है, कट गया थीटा बटे थीटा की वैल्यू जो भी है। लेकिन अगर वही बिना स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट में और बिना स्क्वायर रूट के पेयर आई तो वन माइनस वन, तो फिर आपको यहाँ पे कंपलसरी स्क्वायर बनाना ही पड़ेगा, नहीं है तो भी बनाओ जबरदस्ती से। जैसे यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट नहीं है तो फाइव एक्स का स्क्वायर बनाया, और उस बनाने के बाद में जो बेस है उसको टेन थीटा ही पुट करना, दूसरा कुछ पुट करना, क्या पुट करना टेन थीटा, फिर वो वन माइनस टेन थीटा वन प्लस टेन थीटा, फिर ये होता है कॉस थीटा कट गया वैल्यू हो गया। ये इसकी भी देखो, ये भी लिखो, ये भी लिखो, ये वन हो गया, ये टू हो गया, दो का वैल्यू हो गया। करो फटाफट देखो, ये फिर से वही पेयर आ गई वन माइनस और वन प्लस, क्या बताया हमने वन माइनस वन प्लस की पेयर है, स्क्वायर रूट में रहे तो जो है उसी को कॉस थीटा बोलते हैं, और स्क्वायर रूट में नहीं है तो, स्क्वायर रूट में नहीं है तो उसको स्क्वायर बना, ये क्या होगा रूट एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा ये रूट एक्स, उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करो, एक्स को रूट एक्स का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और स्क्वायर बनाने के बाद वो जो बेस है उसको क्या पुट करना टेन थीटा, इस बेस को क्या पुट करना थीटा की वैल्यू भी तुरंत निकाल लेना, ठीक है टेन थीटा। और अब देखो क्या होता है कॉस इनवर्स वन माइनस, इस बेस को क्या पुट करना है टेन थीटा, क्या पुट करना है टेन थीटा, बोलो क्या होता है वन माइनस टेन स्क्वायर रूट प्लस टेन स्क्वायर, ये कॉस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला है, लेकिन इधर आते समय आपको डबल एंगल करना पड़ेगा, तो ये टेन स्क्वायर, फिर थीटा की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स, और फिर आप करो यहाँ से डेरिवेटिव, पहला रूल कांस्टेंट बार टेन इनवर्स का क्या फॉर्मूला है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डीडीएक्स ऑफ एक्स इनवर्स के सामने वाला, ऊपर टू आएगा नीचे क्या होगा वन प्लस स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, बोलो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा वन बाय टू रूट एक्स डीडीएक्स ऑफ एक्स वन होगा टू टू कैंसिल, ऊपर वन है ना, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, ये फाइनल ये टू टू कटेगा रूट एक्स इंटू वन प्लस एक्स एक्स इंटू वैसे क्या समझे कि अगर प्लस माइनस वन प्लस माइनस की पेयर है तो क्या बताया था, अगर रूट में रहा तो जैसा, अगर ये रूट में होता ना, अगर ये रूट होता ऐसा तो एक्स को कॉस थीटा बोलते, और बिना रूट का इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बनाया उसका स्क्वायर और फिर उसको टेन थीटा बोलता बेस, वही हमने क्या किया हमने कोसेक इनवर्स का साइन इनवर्स, बताओ फिर से यहाँ पे कौन सी पेयर आ गई वन माइनस वन प्लस, क्या बताया था कि स्क्वायर रूट का होगा, अगर ये स्क्वायर रूट में रहा तो एक्स क्यूब को कॉस थीटा पुट करना, किसको एक्स क्यूब को, लेकिन ये स्क्वायर रूट का नहीं है इसमें स्क्वायर बनाना पड़ता है, तो ये सर कैसे स्क्वायर बनाए, ये तो पावर थ्री है तो स्क्वायर कैसे बनाए, ऐसा स्क्वायर बनाना तो कैसे बनाना देखो, है तो एक्स क्यूब लिख देना, और ये स्क्वायर हमने ज्यादा लिया ना इसको कैंसिल करने के लिए नीचे टू ले, क्या होता है फिर पावर पावर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टू टू कटता है तो ये एक्स क्यूब बचे, इसको सॉल्व करने पर एक्स क्यूब जाता है क्योंकि नीचे का टू ऊपर का टू कैंसिल, तो क्या बचा एक्स क्यूब, तो बताओ ये है एक्स क्यूब लेकिन दिख रहा है स्क्वायर जैसे, दिख रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर में बनना पड़ता है कन्वर्ट करना पड़ता है, और कन्वर्ट करने के बाद जो बेस है ये है बेस, इसको पुट करना पड़ता है क्या टेन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा नहीं, क्या पुट करना पड़ता है टेन थीटा, अभी होगा टाइम इनवर्स एक्स का पावर फिर ये क्या होगा फिर से वही वन माइनस, आपने बेस को टेन थीटा पुट किया ये टेन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है इसका फॉर्मूला ही कॉस का हाफ एंगल है इधर डबल होता है, लेकिन आप बताओ इतना करने पर भी हमें बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन एच चाहिए और आया नहीं तो कौन हेल्प करेगा, पाई बाय टू कॉस थीटा का क्या होगा साइन कॉस थीटा यानी साइन पाई बाय टू माइनस कॉस थीटा यानी साइन पाई बाय फिर ये और लास्ट स्टेप में क्या करो वैल्यू पुट करो किसकी रे थीटा की रे बोलो थीटा की रे थीटा की वैल्यू है टाइम इनवर्स एक्स का पावर और बाद में करो तुम इसका डेरिवेटिव, तो पहले डेरिवेटिव किसका करोगे पाई बाय टू का,
टू बाहर निकाल लेना, बोलो क्या होगा? पांच टर्म का डेरिवेटिव जीरो, टू बाहर टेन वन सिक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डीडी एक्स ऑफ एक्स, एक्स यानी इक्वल्स के सामने ऊपर माइनस हो जाएगा वन प्लस बता स्क्वायर और ये पावर पावर मल्टीप्लाई करते टू टू कटेगा तो क्या होगा एक्स क्यूब। चलो इसका डेरिवेटिव एक्स पावर एन, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन कितना होगा वन बाय टू, ये टू टू फिर से कटेगा माइनस थ्री रूट एक्स वन प्लस एक्स क्यूब, ये इसका आंसर टू टू कट गया ये माइनस थ्री है पावर वन बाय टू एक्स स्क्वायर रूट है तो थ्री रूट एक्स और ये तो ये है स्टैंडर्ड डेरिवेटिव। तो क्या क्या बताओ एक्स क्यूब नहीं था, एक्स क्यूब था हमें क्या चाहिए स्क्वायर, बिना रूट वाले में स्क्वायर बनाना पड़ता था, मैं स्क्वायर बनाया और अंदर ये थ्री बाय टू लिखा अपने मन से बराबर क्रिएट करना पड़ेगा टू टू कटेगा बराबर एक्स क्यूब, यानी जो टू आपने ज्यादा लिया वही टू का नीचे लिखा कट जाएगा एक्स क्यूब बनने से, फिर ये जो बेस है इसको टेन थीटा ये वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर। देखो अब ये लास्ट ठीक है बाहर कौन है टेन वर्स ये तो ठीक है अंदर टेन चाहिए, अब अंदर टेन कैसे लाए ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जिसमें ऊपर टू और नीचे वन माइनस आता है, इनको मत देखो इसका पावर फाइव और फाइव बाय टू किसी भी फॉर्मूले में नहीं आता, कोई ट्रिग्नोमेट्री का पावर फाइव वाला फॉर्मूला है या फाइव बाय टू नहीं इसलिए वो तो वैसा सोचने से लोगे, ये सोचो कि ऊपर टू और नीचे वन माइनस आता है, बताओ ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके ऊपर टू और नीचे वन माइनस, वो फॉर्मूला है कौन सा टू टेन थीटा बाय टू अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर, ये वो फॉर्मूला और ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको मैच करवाना पड़ेगा जबरदस्ती से, टू वन माइनस तो बराबर लेकिन ऊपर जो है नीचे उसका क्या लेना पड़ेगा याद रखना, ऊपर जो है वो भी नीचे भी चाहिए, जो ऊपर है वही नीचे लिखना पड़ेगा, जो ऊपर है वही नीचे हम स्क्वायर करना पड़ेगा, बताओ ऊपर कौन है बताओ, ये टू है ये कौन सा काम करेगा टेन थीटा ये वाला ही, तो बताओ अब रूल के हिसाब से आप बताओ जो ऊपर है वही नीचे लिखना पड़ेगा, फिर बताओ वन माइनस जो ऊपर है वही कहाँ लिखो नीचे सेम देखा ऊपर और उसका क्या करो स्क्वायर, अब बताओ मैच हो रहा है कि नहीं अच्छे से देखो, क्योंकि बताओ ये तो बराबर है सर तू ये तो सब सही है सर आपने यहाँ पे क्या कर दिया ये तो एक्स का पावर फाइव है ये भी एक्स का पावर फाइव है, देखो टू क्या होते हैं सर क्या एक्स का पावर फाइव सर फिर ऐसा क्यों लिखा ये इसके कारण लिखा, ये क्या बोलता है जो ऊपर है वही नीचे भी चाहिए और बाद में स्क्वायर भी चाहिए, तो जो ऊपर है वही नीचे ना टेन अच्छे ना जो टेन ऊपर टेन नीचे ऊपर अगर एक्स बार एक्स का पावर फाइव बाय टू नीचे एक्स का पावर फाइव बाय टू और उसका क्या चाहिए अब बताओ सर फुट किसी तरह गारंटेड है टेन फुट करना पड़ेगा लेकिन इसको जो टू के साथ है बताओ टू के साथ कौन है एक्स का पावर फाइव बाय टू उसे क्या पुट करो टेन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी टेन इनवर्स एक्स का पावर फाइव, बोलो ये क्या होगा बोलो क्या होगा ये टू इसको क्या पुट करना था टेन थीटा थीटा बाय टू पुट करो क्या ना फॉर्मूले में थीटा बाय टू रहता है हाफ नहीं हाफ थीटा पुट करना वन माइनस मतलब यही टेन थीटा चाहिए ना आपने इसी को टेन थीटा पुट किया है ना ये टेन थीटा हो उसका क्या स्क्वायर मैच हो रहा है बोला बोलो क्या फॉर्मूला है टू टेन थीटा और वन माइनस टेन थीटा क्या होता है टेन का हाफ एंगल फॉर्मूला उधर क्या होगा डबल कट के क्या आएगा टू थीटा, थीटा की वैल्यू क्या थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स का पावर बोलो अब इसके बाद करो डेरिवेटिव क्या होगा डी बार बार डी टू बार का टेन वर्स का फॉर्मूला क्या वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ अब इसके बाद क्या होगा ये ऊपर टू नीचे वन प्लस बोलो पावर पावर एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके टू टू कटेगा एक्स का पावर फाइव इधर पता तो एक्स टू तो पावर नहीं है यन इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन फाइव बाय टू माइनस वन क्या होता है थ्री बाय टू ये है आंसर ये टू टू कटेगा फाइव एक्स का पावर थ्री बाय टू और नीचे वन एक्स का पावर